नमस्कार, देश और दुनिया की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। बात सबसे पहले पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की करते हैं, जहां पर तख्ता पलट के बाद दशहरे पर हिंदू मंदिर आ गए हैं। इस्कॉन ने मंदिरों में तोड़फोड़ का वीडियो जारी किया है। इस्कॉन का दावा है कि कई मंदिरों में आग लगा दी गई। आपको बता दें कि मंदिरों पर हमले तेज हो गए हैं जब से तख्ता पलट हुआ है। बांग्लादेश में हिंसा की आग में झुलस रहा है ये देश। तख्ता पलट के बाद हिंदू मंदिर भी उपद्रवियों के प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आ गए। इस्कॉन ने ये देखिए मंदिरों में तोड़फोड़ का वीडियो भी जारी किया है। इस्कॉन जो कि मंदिर है, उसका दावा है कि कई मंदिरों को आग के हवाले प्रदर्शनकारियों ने कर दिया है। आपको बता दें कि हालांकि लगातार दिल्ली में भी हलचल तेज है। सर्वदलीय बैठक में खुद ब्रीफिंग देते हुए नजर आए हैं विदेश मंत्री अजय शंकर। उन्होंने कहा कि सभी भारतीय सुरक्षित हैं, लेकिन इन सबके बीच में इस्कॉन का दावा कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है, और ये दावा पेश करते हुए इस्कॉन ने वीडियो भी जारी किया है। कई मंदिरों को बताया जा रहा आग लगा दी गई। तस्वीरें अंदर की आपको मंदिर की नजर आ रही है, जहां पर देखिए भगवान की मूर्ति नीचे पड़ी हुई है, तोड़फोड़ की गई है। ये मंदिर के अंदर का नजारा है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो वीडियो है ये इस्कॉन की तरफ से जारी किया गया है। ये दावा पेश किया गया है इस्कॉन की तरफ से, जिसमें मंदिर के अंदर तोड़फोड़ की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। कई मंदिरों को उपद्रवी प्रदर्शनकारी निशाना बना रहे हैं। आपको बता दें कि हिंसा की आग में झुलस रहा है बांग्लादेश। इस वक्त सड़कों पर हिंसा हो रही है, संसद में लूटपाट, पीएम आवास पर लूटपाट, आगजनी, और इन सब के बीच में मंदिरों को भी प्रदर्शनकारी निशाना बना रहे हैं। तो बांग्लादेश में कई जगहों पर हिंदू समुदाय को भी निशाना बनाया गया है। आवामी लीग से जुड़े दो हिंदू नेताओं की हत्या कर दी गई है। विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। विशेष रूप से इस्कॉन और काली मंदिर को निशाना बनाया गया है। हरधन रॉय नामक हिंदू पार्षद को रंगपुर में मारे डालने की भी खबर है, यानी कि उसे मार दिया गया है। बताया जा रहा है कि वहां हिंसा की आड़ में हिंदू पत्रकार की भी हत्या हुई है। रायगंज प्रेस क्लब को घेर कर प्रदर्शनकारियों ने पत्रकार प्रदीप कुमार भौमिक को मार डाला। तो द्रवी किस तरीके से खून के प्यासे हो गए हैं। सड़कों पर आगजनी हो रही है, हिंसा हो रही है। इन सब के बीच में आपको बता दें कि हिंदू समुदाय को भी निशाना बनाया जा रहा है। आवामी लीग से जुड़े दो हिंदू नेताओं की हत्या कर दी गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंदुओं के घर को निशाना बनाया जा रहा है। मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। इस्कॉन और काली मंदिर को निशाना बनाने से चूक नहीं रहे प्रदर्शनकारी उपद्रवी। हरधन रॉय नामक हिंदू, जहां पर तस्वीर आपके सामने है, पार्षद को रंगपुर में मार डाला गया। बताया जा रहा है कि वहां पर हिंसा की आड़ में हिंदू पत्रकार की भी हत्या कर दी गई। रायगंज प्रेस क्लब को घेर कर प्रदर्शनकारियों ने पत्रकार प्रदीप कुमार को मार डाला है। अब माइनॉरिटीज की जिंदगी वहां खतरे में है। मैं समझता हूं भारत सरकार को सभी स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जो माइनॉरिटीज हैं उन पर हमले हो रहे हैं उनको बचाया जाए, और वहां की फौज हालात को जल्दी से जल्दी अंडर कंट्रोल लाने की कोशिश करे। और न्यूयॉर्क तो पहुंच चुकी है बांग्लादेश में विद्रोह की आग। न्यूयॉर्क में बांग्लादेश वाणिज्य दूतावास पर भी हमला हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने मुजीब और रहमान की तस्वीर को हटा डाला। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूयॉर्क से आ रही है। दरअसल बांग्लादेश में जो विद्रोह हुआ, जो हिंसा हुई, उसकी आग न्यूयॉर्क तक पहुंच चुकी है। न्यूयॉर्क में बांग्लादेश वाणिज्य दूतावास पर हमला कर दिया गया प्रदर्शनकारियों ने। मुजीब और रहमान की तस्वीर को हटा दिया। तस्वीर आपको दिख रही है, ये मुजीब उर रहमान की है, जिसको हटाया गया है प्रदर्शनकारी की तरफ से। तो प्रदर्शनकारी का जो गुस्सा है वो सड़कों पर ना सिर्फ बांग्लादेश में नजर आ रहा है, बल्कि न्यूयॉर्क की सड़कों पर भी कुछ इसी तरह की तस्वीर है। ये विद्रोह की आग न्यूयॉर्क तक पहुंच चुकी है। बांग्लादेश वाणिज्य दूतावास न्यूयॉर्क पे, जहां पर हमला किया गया प्रदर्शनकारी की तरफ से, और उसके बाद मुजीब उर रहमान की तस्वीर को हटा डाला। तो
तो वह बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद लगातार हालात बदल रहे हैं और नए प्रधानमंत्री को चुनने की कवायद भी तेज हो गई है। उधर दूसरी तरफ आज भारत में भी इस मुद्दे पर बड़ी हलचल दिखाई दी। केंद्र सरकार ने आज सभी दलों की बैठक बुलाई जिसमें बांग्लादेश के मुद्दे पर चर्चा की गई, रणनीति बनाई गई। तमाम विपक्ष के बड़े नेता आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर आपको नजर आ रहे हैं जिसमें ब्रीफिंग दी गई। विदेश मंत्री अजय शंकर की तरफ से, जेपी नड्डा आपको स्वास्थ्य मंत्री नजर आ रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, एलओपी और इसके साथ साथ आप अलग अलग विपक्ष के बड़े नेताओं को भी देख पा रहे हैं। दरअसल यहां पर विदेश मंत्री जयशंकर की तरफ से बताया गया है कि सभी भारतीय बांग्लादेश के अंदर सुरक्षित है, ये बड़ी जानकारी निकल कर आई। साथ ही उन्होंने बताया कि 8000 छात्र की वापसी भी हो चुकी है, 12 से 13000 भारतीय हालांकि फंसे हुए हैं बांग्लादेश में। बैठक में राहुल गांधी ने बांग्लादेश के मुद्दे पर सवाल पूछा। राहुल गांधी ने कहा कि तख्ता पलट के पीछे क्या विदेशी ताकत का हाथ है, तो विदेश मंत्री ने कहा कि एक पाकिस्तानी राजदूत ने प्रोफाइल फोटो बदला, अभी कहना जल्दबाजी होगी। शेख हसीना पर भी अभी फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन पैनी नजर हालात पर बांग्लादेश में बदल रहे पल पल के हालातों को लेकर नजर बनाई हुई है विदेश मंत्री अजय शंकर। और सर्वदलीय बैठक में खुद उन्होंने जानकारी दी कि सभी भारतीय सुरक्षित है, 8000 छात्रों की वापसी तक हो चुकी है। वहीं शेख हसीना को भारत छोड़ने वाला विमान लौट गया है, हिंडन एयरबेस से वापस बांग्लादेश लौटा है विमान। सुबह 9 बजे विमान ने एयरपोर्ट से उड़ान भरी। एयरफोर्स C-130J विमान में सेना के 7 अधिकारी लौटे हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद हिंडन एयरबेस में इस वक्त शेख हसीना सुरक्षित है और जब तक उन्हें कोई देश संरक्षण नहीं देगा तब तक वो भारत में रहेंगी। शेख हसीना को जो भारत छोड़ने वाला विमान था वो लौट गया है वापस बांग्लादेश। तस्वीरें आपके सामने हैं, हिंडन एयरबेस से वापस ये विमान लौटा है। सुबह 9 बजे विमान ने एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। एयरफोर्स C-130J विमान में सेना के 7 अधिकारी भी लौटे हैं। तो शेख हसीना को सुरक्षित छोड़ने के बाद अब विमान बांग्लादेश वापस लौट चुका है। तो बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना कल देर शाम गाजियाबाद के हिंडन एयरवेज से पहुंच गई थी। इसके बाद से उन्हें हिंद एयरवेज के सेफ हाउस में रखा गया है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कल शाम को शेख हसीना हिंडन के एयरवेज पर पहुंची, गाजियाबाद में पहुंची, और इस वक्त बताया जा रहा है कि एयरवेज के सेफ हाउस में वो मौजूद हैं। वो तब तक यहाँ पर रहेंगी जब तक उन्हें कोई दूसरा मुल्क, दूसरा देश संरक्षण नहीं देता। लंदन, फिनलैंड या फिर स्विट्जरलैंड जाने की उनकी जानकारी मिल रही है। ये वही जगह आपको दिखा रहे हैं, हिंडन एयरबेस जो कि गाजियाबाद में है, वहाँ पर कल शाम उनका विमान लैंड करता हुआ नजर आया और इस वक्त वो एयरबेस के सेफ हाउस में है। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर हुआ बवाल के बाद जहां एक ओर सत्ता पलट गई, वहीं दूसरी ओर शेख हसीना जो कि वहां की प्रधानमंत्री थी कल देर रात यहीं पर हिंडन एयरबेस पर आई थी। यहीं पर उनका जो विमान था वो यहां पर लैंड हुआ था और वहां से सीधा बांग्लादेश से भागने के बाद वो सीधा यहीं पर रुकी थी। आज सुबह की अगर हम बात करें तो सुबह उन्होंने यहाँ नाश्ता किया है, उनको सेफ हाउस में यहाँ रखा गया है। बताया ये भी जा रहा है अगर सूत्रों की माने तो संभवतः आज शाम तक वो अपनी बेटी के पास, दिल्ली जो रहती है उनके पास भी जा सकती है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज उत्तर प्रदेश। उधर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बांग्लादेश में पनपे हालात के मद्देनजर बीएसएफ ने बॉर्डर पर जवानों की संख्या बढ़ा दी है। डीजी बीएसएफ दलजीत चौधरी भी पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं और सुरक्षा को लेकर बड़ी बैठक की है। आज वो भारत बांग्लादेश बॉर्डर का दौरा भी कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अभी भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, लेकिन घुसपैठ की आशंका के चलते बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल कई नेताओं इस बात की संभावना जता चुके हैं, आशंका जता चुके हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी घुस सकते हैं बांग्लादेश से भारत में, और ऐसे में घुसपैठ की आशंका को लेकर बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि इस वक्त सीमा पर स्थिति सामान्य है। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश बॉर्डर का दौरा भी आज कर सकते हैं बीएसएफ
डीजी दलजीत चौधरी जो कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं। तो बंगाल का वो इलाका जो कि साथ साथ ये चार जो आपको बता दें कि स्टेट है ये बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और लिहाजा यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो शेख हसीना ने पीएफ से इस्तीफा दे दिया, उन्होंने बांग्लादेश भी छोड़ दिया और अब सवाल है कि आगे क्या होगा, क्योंकि बांग्लादेश अभी भी अशांत है, वहां लोग अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि वहां इस वक्त हालात कैसे हैं। पहला हथौड़ा बांग्लादेश के जनक बंग बंधु की मूर्ति पर, दूसरा हथौड़ा बांग्लादेश के लोकतंत्र पर, तीसरा हथौड़ा बांग्लादेश की समूल व्यवस्था पर, चौथा हथौड़ा शेख हसीना सरकार पर। तस्वीरें हिला देने वाली हैं। बांग्लादेश के 53 सालों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, राजधानी ढाका को फूंक दिया गया। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए, हिंसा का तांडव जारी है। आर्मी बंदूक ताने खड़ी है, दूसरी ओर आवाम मुट्ठी बांधे नारे बुलंद कर रही है, गोलियों की बिसात बिछ रही है। अब तक 300 लाशें गिर चुकी हैं, हजारों लोग जख्मी हो चुके हैं। पुलिस के सायरन और एम्बुलेंस के शोर से ढाका गूंज रहा है। जो विद्रोही हैं, वो तो जान हथेली पर उठाए घूम रहे हैं, लेकिन जो आम लोग हैं, घरों में दुबके हैं, सहमे हुए हैं। देश का क्या होगा, मुल्क को इस धधकती आग से कौन बचाएगा? बांग्लादेश उन्माद की आंधी में तिनका सा बिखर रहा है। बांग्लादेश पहले ईंट दर ईंट टूटा, अब दीवार दर दीवार ठहरा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के आवास गणभवन में हजारों की भीड़ घुस गई, बेडरूम तक पर कब्जा जमा लिया। हिंसा को देखकर शेख हसीना भाषण रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन उन्हें ऐसा करने का मौका तक नहीं मिला। बांग्लादेश के पीएम हाउस के बेडरूम में प्रदर्शनकारी को आराम फरमाते देखा जा सकता है, प्रदर्शनकारी को पीएम हाउस के लॉन में भी टहलते देखा जा सकता है। भीड़ ने गृहमंत्री अज़दुज़्ज़मान खान के घर को भी आग के हवाले कर दिया। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के दफ्तर में गुस्साई भीड़ ने आग लगा दी। बांग्लादेश इस वक्त आक्रोश वाली जलती भट्टी बन चुका है। जनता का गुस्सा सड़कों पर खूनी संग्राम में तब्दील हो गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद अपनी छोटी बहन शेख रेहाना के साथ देश छोड़कर भाग खड़ी हुई। अराजकता, अव्यवस्था, आक्रोश, आगजनी, आक्रामक और हिंसक हुई भीड़ ने मुल्क को पतन के पाताल में पहुंचा दिया है। पूरा देश जल रहा है, खून, जख्म, लाशें और मातम के बीच देश की कमान आर्मी ने संभाल ली है। आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वकार उज जमान ने ऐलान कर दिया है कि वो सब संभाल लेंगे। आमी समस्त राजनीतिक दलेर नेतृबृंद के एखाने आमंत्रण करेछिलाम, ओनारा एखाने एसेछेन, आमरा एकटा सुंदर आलोचना करेछि, सेखाने आमरा सिद्धान्त नियेछि जे एकटा इंटरिम गवर्नमेंट आमरा फर्म करब एबं इंटरिम गवर्नमेंटेर माध्यमे एदेशेर समस्त कार्यकलाप चलबे। क्यों बांग्लादेश में लग गई बर्बादी की आग? कैसे तबाह हो गई शेख हसीना की सरकार? भीड़ ने क्यों उखाड़ फेंकी चुनी हुई सरकार? और सबसे बड़ा सवाल कि बांग्लादेश की कमान अब किसके हाथ? आपको बर्निंग बांग्लादेश की हर एक डिटेल दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि कैसे शेख हसीना के खिलाफ भड़की भीड़ ने कानून को अपने हाथों में लेकर देश को जला डालने की कसम खाई। लेकिन उसके पहले तस्वीरें जो बांग्लादेश के अंधकार में भविष्य की गवाही है।
प्रदर्शनकारियों ने कई अहम रास्तों पर भी कब्जा कर लिया है। इंटरनेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस बीच मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं, जो आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। जब प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के परचम तले आयोजित असहयोग कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे, आवामी लीग, छात्र लीग और जुबो लीग के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। राजधानी ढाका सहित देश भर में सेना तैनात कर दी गई है। सड़कों से पुलिस को हटा दिया गया है। देश और दुनिया की खबरें आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन राजस्थान विधानसभा से बड़ी खबर आ रही है। हंगामे के बीच विधानसभा की कार्रवाई लगातार चल रही है। विपक्ष सदन में हंगामे कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है। स्पीकर ने मुकेश भाकर को सदन से बाहर जाने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें निलंबित कर दिया जा चुका है। तीसरी बार स्पीकर ने विपक्ष को हिदायत दी, विपक्ष के सदस्यों से सहयोग का आग्रह किया गया। प्रश्नकाल के बाद स्थगन प्रस्तावों पर विपक्ष कुछ भी नहीं बोला, तो लगातार शर्म करो के नारेबाजी करते हुए कांग्रेस के विधायक नजर आए हैं। लेकिन इस सबके बीच में विधानसभा की कार्यवाही भी चल रही है, लगातार हंगामा चल रहा है, नारेबाजी हो रही है। स्पीकर ने मुकेश भाकर को सदन से बाहर जाने के लिए कहा और तीसरी बार स्पीकर ने विपक्ष को हिदायत दी कि आप लोग नारेबाजी ना करें, सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही को चलने दें। सहयोग की भी अपील की गई, आग्रह किया गया विपक्ष के सदस्यों से स्पीकर की तरफ से। प्रश्नकाल के बाद बड़ी बात यह है कि स्थगन प्रस्ताव पर जब चर्चा हो रही थी, तो उस दौरान विपक्ष कुछ भी नहीं बोला। और एक बार फिर बात बांग्लादेश की करते हैं, चूंकि तख्ता पलट के दौरान कई हिंसक घटनाओं के बीच प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मशरफे मुर्तजा के घर पर भी आग लगा दी। मशरफे मुर्तजा शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के सांसद हैं और शेख हसीना के बेहद करीब बताए जाते हैं। मशरफे मुर्तजा के साल की शुरुआत में आम चुनावों में खुलना डिविजन की नरेल टू संसदीय सीट से दूसरी बार सांसद चुने गए हैं। 2018 में क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद मुर्तजा ने राजनीति में कदम रखा था। मशरफे मुर्तजा के नाम बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा मैचों की कप्तानी करने का भी रिकॉर्ड है। और अब आपको ले चलते हैं बांग्लादेश के बाद हिमाचल, जहां पर मौसम की बार है। लाहौल स्पीति में तेज बारिश और बाढ़ के बाद एक पुल बहने की जानकारी मिल रही है। यही वजह है कि कई गांव का संपर्क भी मुख्य मार्ग से कट गया है। आसपास के खेतों में खड़ी फसल बाढ़ की वजह से बर्बाद हो गई। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और मार्गों को खोलने का काम किया जा रहा है। ये लाहौल स्पीति इलाका जहां पर तेज बारिश और बाढ़ के बाद एक पुल बह गया। ये पुल ही था जो कि संजीवनी का काम करता था गांव वाले के लिए। वो मुख्य मार्ग के जरिए हॉस्पिटल जा पाते थे, कॉलेज स्कूल जा पाते थे, लेकिन अब यहां पर कई गांव का संपर्क इस पुल के बह जाने की वजह से कट गया है। उधर बिहार के गोपालगंज में भी सुबह से लगातार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के बाद सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घुटने तक पानी भर गया। ऐसे में मरीजों को तीमारदारों ने गोदी में लेकर बाहर निकाला। तो क्या शहर क्या गांव, टापू बन चुके हैं। और इन सब के बीच में अस्पताल के हाल आप देख सकते हैं। ये इमरजेंसी वार्ड है जहां पर घुटनों पानी भर गया है, लिहाजा मरीजों को तीमारदार गोदी में लेकर बाहर निकले। उधर उत्तरकाशी से भी खबर है, यहां पर गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया है। नेताला के पास पहाड़ी से मलबा आया है और यही वजह है कि सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है। बीआरओ की टीम सड़क को खोलने में जुटी हुई है। तस्वीरें आपके सामने, मैदान से लेकर पहाड़ तक हाहाकार। मूसलाधार बारिश के बाद गंगोत्री नेशनल हाईवे है ये बंद हो चुका है। नेताला के पास पहाड़ी से भर भरा कर मलबा गिर गया और अब बीआरओ की टीम पहुंची है जो कि सड़क को खोलने का काम कर रही है। महाराष्ट्र के नासिक से बड़ी खबर है, जहां पर दिन दहाड़े महिला की चेन लेकर बदमाश फरार हो गए। सीसीटीवी में वारदात कैद हुई है, आपको वो फुटेज भी दिखाएंगे जिसमें बदमाशों के हौसले की कदर बुलंद हो चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए, दिन दहाड़े महिला की चेन लेकर कैसे बदमाश भाग गए हैं। नासिक की तस्वीर है, पास में लगे सीसीटीवी फुटेज के जरिए ये तस्वीर अब लोगों के सामने आई है। लेकिन ये तस्वीर पुलिस पर, प्रशासन पर सवाल भी खड़े कर रही है। देखिए, महिला जो है आराम से खड़ी हुई है, लेकिन अचानक बदमाश आता है और उसकी
गले पे झपट्टा मारकर चेन खींचकर फरार हो जाता है। महिला कुछ देर तक उसके पीछे भी दौड़ी, लेकिन तब तक वो बदमाश भाग निकला। एमपी के इंदौर में कानून व्यवस्था दम तोड़ रही है। कानून की रखवाली करने वाले नेताओं के दबाव में इतने लाचार हो गए हैं कि कहते हैं कि मुझे गोली मार दो। सोचिए जहां पुलिस वाला इतना मजबूर हो, वहां आम जनता का क्या हाल होगा। आगे पुलिस वाले मजबूर और लाचार हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ पेरिस ओलंपिक में आज भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज 10वें दिन एथलेट्स टेबल टेनिस, हॉकी और रेसलिंग के मुकाबले होने हैं। भारतीय हॉकी टीम अपना सेमीफाइनल मैच खेलेगी, तो वहीं जेवलिन थ्रो इवेंट में स्टार नीरज चोपड़ा मैदान में उतरने वाले हैं। नीरज चोपड़ा से पहले जेवलिन थ्रो इवेंट में किशोर जैना भी किस्मत आजमाएंगे, जबकि रेसलिंग में महिला पहलवान विनेश फोगाट अखाड़े में दाव पेच लगाएंगे। उधर टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष टीम चीन के खिलाफ प्री क्वार्टर फाइनल खेलेगी। बात एथलीट्स की करें तो महिलाओं की 400 मीटर रेपचेज में भारत की किरण पहल अपना दम दिखाएंगी। पेरिस ओलंपिक में भारत ने अब तक 3 कांस्य मेडल जीत लिए हैं। ये तीनों मेडल शूटिंग में मिले हैं। तो आज खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक से कई उम्मीदें हैं। भारत के लिए खास दिन, बड़ा दिन, क्योंकि कई ऐसे मुकाबले हैं जहां पर उम्मीद यह है कि आज मेडल भारत को मिल सकता है। हॉकी टीम आज सेमीफाइनल मैच खेलेगी। इसके साथ साथ जेवलिन थ्रो इवेंट में नीरज चोपड़ा सभी की निगाह उन पर है, मैदान में आज वो उतरने वाले हैं। जैसलमेर आपको ले चलते हैं। यहां पर 4 दिनों से चल रही बारिश का तांडव देखने को मिल रहा है। जैसलमेर जिले के कई गांव में कच्चे मकान ढह गए, पुराने मकान भी पानी में बह गए। सम क्षेत्र में एक रिजॉर्ट के गिरते हुए का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ है। धोरो वाली धरा में नदियां बहने लगी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ है। मेड़वा में ओमदान का कच्चा घर गिर गया, जिसमें बैठी बकरियों की मौत हो गई, जिससे पशुपालक परेशान है। भड़ियाड़ा, राजमथाई, सम, मोहनगढ़, रामगढ़ सहित दर्जनों ग्रामीण क्षेत्रों में बरसाती पानी जमा हो गया। कई जगहों पर तालाब टूट गए हैं, कई जगहों पर खड़ी भी टूट गए, जिससे गांव और ढाणियां टापू बन गए। सोन क्षेत्र, लोगासर और भोपालगढ़ सहित कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। और इसी के साथ देश और दुनिया में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए मारो राजस्थान। नमस्कार।